भारतीय मूल के एक 22 वर्षीय युवक को सिंगापुर की अदालत ने चाकू से एक युवक की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 15 बेंत की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई 2020 के सूरज श्रीकंद दिवाकर मणि त्रिपाठी जॉगिंग के दौरान 38 वर्षीय ताई रुई हाओ को चाकू मार दिया था। उपचार के दौरान 11 मई को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए सूरज श्रीकंद से चाकू बरामद किया था। सूरज श्रीकंद और ताई पोंगोल में रहते थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। ताई ने उस दौरान जॉगिंग करना शुरू कर दिया था। 2020 में कोविड-19 के दौरान लोगों को गैर जरूरी गतिविधियों के लिए घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी, जबकि सूरज श्रीकंद भी एक नियमित धावक थे। जानकारी के मुताबिक हत्या की घटना के वक्त सूरज श्रीकंद दौड़ रहे थे, तभी वह दौड़ते वक्त एक बस स्टॉप के पास गिर गए। उधर ताई ने उसे पीछे छोड़ दिया, तभी सूरज श्रीकंद गुस्से में आ गए। गुस्से पर काबू पाने के लिए करीब 10 मिनट तक वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन बाद में उसने चाकू से ताई पर हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को कॉल कर सहायता मांगी है। बाद में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ताई के शरीर पर 10 गहरे घाव मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।